तो दोस्तों इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज जो कि शुरुआत होना है, पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा 2 अक्टूबर को। और इसी के कड़ी में दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं साउथ अफ्रीका के उन 5 खतरनाक खिलाड़ियों के नाम जो कि टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम के लिए बड़ी मुसीबत हो सकते हैं, खासकर भारतीय टीम के लिए बहुत ही मुसीबत बन सकते हैं। दोस्तों पूरे डिटेल के साथ बताने वाला हूं और रीजन भी बताने वाला हूं कि क्यों वो खिलाड़ी खतरनाक हो सकते हैं भारतीय टीम के लिए। पूरी लिस्ट जान जाएंगे दोस्तों तो आप भी समझ जाएंगे क्यों ये खिलाड़ियों से भारतीय टीम को बच के रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, खासकर इन खिलाड़ियों के ऊपर इन्हें स्ट्रेटजी बनानी ही चाहिए। तो दोस्तों पूरी डिटेल वीडियो है एंड तक देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने लिस्ट में बात करें तो नंबर 5 पे जिसे मैंने रखा है उसका नाम है टिम्बा बबुमा। हाँ दोस्तों टिम्बा बबुमा लगातार साउथ अफ्रीका टीम के परमानेंट प्लेयर हैं और लगातार इनके प्लेइंग 11 का हिस्सा रहते हैं और मिडिल क्रम में बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। यानी कि ये टिम्बा बबुमा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि साउथ अफ्रीका के लिए एक अच्छे परमानेंट मेंबर हैं और खासकर हर मैच में आके अच्छा अपना योगदान देते हैं, इसलिए टीम इंडिया को इन्हें जल्दी रवाना करना पड़ेगा क्योंकि ये टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, साउथ अफ्रीका के लिए टेस्ट स्पेशलिस्ट के तौर पे उतरते हैं। इनकी हाइट छोटी है इसलिए वो अच्छा स्पिन को कवर करते हैं, स्पिन अच्छे खेलते हैं, तो इसलिए इन्हें भारतीय पिच को इन्हें समझने में उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये हो सकता है कि रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा को आसानी से खेल सकते हैं तो इसलिए इन्हें जल्दी पवेलियन भेजना होगा भारतीय टीम के लिए। तो दोस्तों अगर नंबर 4 पे जिस खिलाड़ी का नाम आता है उसका नाम है वर्नॉन फिलेंडर। दोस्तों आपको भली बात ही जानते होंगे कि वर्नॉन फिलेंडर एक शानदार गेंदबाज है साउथ अफ्रीकन टीम के लिए, लीड बॉलिंग अपना करते हैं, लीड बॉलिंग के तौर पे ये साउथ अफ्रीकन टीम के लिए लगातार खेलते हैं और खासकर नई बॉल से बेहतरीन स्विंग कराते हैं, इनका अंदर और बाहर दोनों तरफ से स्विंग होता है बॉल, इसलिए इन्हें भारतीय अपर ऑर्डर को आउट करने के लिए इनको काफी आसानी हो सकती है। खासकर भारतीय पिच ऐसी रहती है कि शुरुआत में गेंदबाजों को मदद मिलती है तो वर्नॉन फिलेंडर एक ऐसे रह सकते हैं गेंदबाज जो कि भारतीय टीम के लिए मुसीबत बन सकते हैं, इसलिए वर्नॉन फिलेंडर का खासकर पहला स्पेल भारतीय टीम को अच्छे से निकालना होगा। खासकर जो अपर ऑर्डर के बल्लेबाज रहेंगे उन्हें वर्नॉन फिलेंडर को अच्छे से खेलना पड़ेगा। और बात कर लें वर्नॉन फिलेंडर इसलिए खतरनाक है, ये इनकी रैंकिंग भी बताती है क्योंकि ये टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 5 पे ये अभी तक काबिज है। अब दोस्तों हम बात करें नंबर 3 पे, तो नंबर 3 पे जिस खिलाड़ी का नाम आता है उसका नाम है फाफ ड्यू प्लेसिस। आप फाफ ड्यू प्लेसिस इस समय साउथ अफ्रीका टेस्ट टीम के कैप्टन भी हैं और इस समय शानदार फॉर्म में भी चल रहे हैं, लगातार अच्छी इनिंग खेल रहे हैं। खासकर पिछला जो इनका सीरीज था श्रीलंका से टेस्ट सीरीज, उसमें श्रीलंका में जाके अच्छी इनिंग खेले थे, खासकर अखिला धनंजय इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, उनके खिलाफ भी अच्छा बल्लेबाजी कर रहे थे, एक दो सेंचुरी भी जड़े थे, यानी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय फाफ ड्यू प्लेसिस। इसलिए फाफ ड्यू प्लेसिस टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन सकते हैं क्योंकि फाफ ड्यू प्लेसिस एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि टीम इंडिया में आके टीम इंडिया के पिच पे अच्छी तरीके से खेलते हैं, इंडिया के पिचों को भली भांति जानते हैं, आके आईपीएल भी खेलते हैं ये लगातार, और जब पिछली बार साउथ अफ्रीका की टीम आई थी तो उसमें भी आए थे ये और खासकर काफ़ी अच्छा इनिंग भी खेल रहे थे। तो ये हो सकता है कि इस बार वो अच्छी तरीके से तैयारी करके आ रहे हों और इसलिए ये मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 3 पे जो खिलाड़ी हमारे लिए बहुत ही मुसीबत बन सकता है उसका नाम है फाफ ड्यू प्लेसिस। अब दोस्तों हम बात करें नंबर 2 पे, तो हमारा नंबर 2 की शुरुआत हो चुकी है और नंबर 2 पे हम बात करें जिस खिलाड़ी का नाम आता है उसका नाम है एजन मार्करम। दोस्तों आपको याद ही होगा कि एजन मार्करम एक शानदार बल्लेबाज हैं और खासकर ओपनिंग भी करते हैं साउथ अफ्रीकन टीम के लिए और अभी फिलहाल जो बोर्ड प्रेसिडेंट ऑफ 11 भारतीय टीम के खिलाफ मुकाबला हुआ था जिसमें रोहित शर्मा कैप्टन थे, उस अभ्यास मैच में एजन मार्करम ने नाबाद सेंचुरी भी जड़ी थी, रिटायर हर्ट हो गए थे और नाबाद सेंचुरी जड़ के ये भी बता दिया है कि उन्हें भारतीय पिच पे खेलने में कोई दिक्कत नहीं है, स्पिनर्स का वर्क नहीं पड़ रहा था इनके खिलाफ, ये स्पिनर्स को अच्छा खेल रहे थे, फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेल रहे थे, शुरुआती में कोई भी बॉलर इनके खिलाफ उतना अच्छा स्ट्रेटेजी से अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहा था, इसलिए इस समय जो सबसे बड़े खतरा बन सकते हैं बल्लेबाजी के लिए, अगर बल्लेबाजी के लिहाज से सोचें तो वो खिलाड़ी है एजन मार्करम और इसलिए इनकी बल्लेबाजी रैंकिंग भी बताती है क्यों इतने ये खतरनाक हैं, क्योंकि ये बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 10 पे काबिज है। हाँ दोस्तों नंबर 10 पे ये खिलाड़ी मौजूद है और इसलिए ये बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है साउथ अफ्रीकन टीम के लिए, लगातार पिछले कुछ सीरीज से लगातार साउथ अफ्रीका के लिए टीम में बने हुए आ रहे हैं और ये ओपनिंग बल्लेबाजी भी करते हैं। अब हम बात करें नंबर 1 पे, तो नंबर 1 पे आप जान गए होंगे कि किस खिलाड़ी का नाम आने वाला है, उसका नाम है कगिसो रबाडा।
हाँ दोस्तों, कलीसो रबाडा बहुत ही खतरनाक गेंदबाज हैं, खासकर इस बार इंडिया में जो आईपीएल हुआ था दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, ये 12 मैचों में 25 विकेट लेने में कामयाब रहे थे और ये इनकी टेस्ट बॉलिंग भी इनकी रैंकिंग बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 2 पे है और इसलिए ये सबसे खतरनाक पूरे अफ्रीकन टीम में सबसे खतरनाक जो गेंदबाज रहेगा उसका नाम है कलीसो रबाडा। कलीसो रबाडा इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और खासकर भारतीय पिच पे ये अच्छा बॉलिंग भी करते हैं, अच्छा उछाल भी पाते हैं, खासकर अपने स्पीड से ये भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। इसलिए भारतीय टीम को पूरा जो स्ट्रेटजी है वो बनाना पड़ेगा रबाडा के खिलाफ, क्योंकि रबाडा एक ऐसे गेंदबाज हैं जो कि भारतीय टीम की परखच्चियाँ उड़ा सकते हैं दोस्तों। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए मैंने ये नंबर 1 पे रखा है, उसका नाम है कलीसो रबाडा। तो दोस्तों ये थे हमारे सभी खिलाड़ी जो कि मैं बता रहा था कि जो भारतीय टीम के लिए खतरा बन सकते हैं, ये थी सभी खिलाड़ियों की लिस्ट। तो दोस्तों आपको कौन लगता है कि इस बार सबसे बड़ा खतरा बन सकता है भारतीय टीम के लिए? क्या भारतीय टीम ये सीरीज आसानी से जीत सकती है जैसे कि पिछले बार जीती थी, कि इस बार कुछ टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा? दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि क्रिकेट के लेटेस्ट अपडेट आपको यहीं पे मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस बार वीडियो खत्म करते हैं।